এই দিকে আসো দাদা। दशहरा फेस्टिवल को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहा, तो आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है सारा चीज़, आपको स्टॉल वगैरह घुमाते हैं। और बेसिकली बंगाली का मतलब पूजा मतलब खाना घूमना ही है, तो अभी हम लोगों ने घूम लिया और यहाँ पे देखते हैं खाने का सबसे अच्छा काउंटर कौन सा है, तो वहाँ पे ले जाकर आपको दिखाते हैं क्या हम लोगों ने खाया, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। तो मैं और मेरे जगत भैया साथ में, जगत भैया आए बोलिए ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कल्चरल प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तो सब चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लेट होने वाला है, तो हम लोग अभी जाते हैं खाना खाने के लिए, मतलब थोड़ा सा स्नैक्स खाएंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:49, तो अभी टाइम बहुत है। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने वीडियो में बोला कि मैं गच्ची बोली आ गया हूँ, गच्ची बोली में क्या है नहीं है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, और हम लोग कहाँ पे हैं सब चीज़ आपको दिखाएंगे एक एक करके, और यहाँ पंडाल मूर्ति कैसा है, तो ये क्राउड देख करके आपको समझ में आ गया कितने लोग यहाँ पे आए हैं, तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। से बच्चों का खेलने का देखो सामान सब यहाँ पे लगा हुआ है, झूला है, बलून है, वो मिकी माउस है, तो यहाँ पे बच्चे लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, रात को 11 बजे के बाद चालू होगा, और यहाँ पे देख लो कुछ इस तरह का क्राउड यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ लड़कियों का सामान वहाँ पे बिक रहा है। देख लो इस तरह का कुछ भीड़ है, यहाँ पे क्राउड है। सो वहाँ पे धुनुची डांस का प्रोग्राम हो रहा है, देख लो आपको मैं दिखा रहा हूँ धुनुची डांस कैसे होता है। तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ डांस कर रहे हैं, यहाँ पे धुनुची नहीं है, धुनुची का डांस शायद इसके इस साइड में होगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, तो अभी आपको वो भी दिखा रहे हैं धुनुची डांस कैसे होता है और क्या है नहीं है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, कैसे लोग धुनुची डांस करते हैं, जो कि बंगाली का दुर्गा पूजा में होना तो फेवरेट पार्ट रहता है धुनुची डांस, विदाउट धुनुची डांस दुर्गा पूजा बंगाली लोग का इनकम्प्लीट रहता है, एकदम इनकम्प्लीट रहता है, तो आपको दिखा रहे हैं वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं कहाँ पे धुनुची डांस हो रहा है, एकदम वीडियो को मिस मत करिएगा इस। सो अभी इन लोगों के पास धुनुची नहीं है, तो अभी हम लोग आ गए हैं, देखो ये देखो इस साइड में धुनुची का प्रोग्राम चालू है। सो धुनुची क्या होता है, जो धूप हम लोग दिखाते हैं ना, तो उसको पकड़ करके इसको ले करके ये लोग डांस करते हैं, तो ये ढाक जो यहाँ का एकदम बंगाली लोग का एकदम फेमस ढाक है, वो ढाक बजेगा और वो लोग उस पर डांस कर रहे हैं। सो देख लो आप, अगर आपको कोलकाता से है, बंगाल से है और नॉर्थ साइड से है, तो आपको पता होगा, बट साउथ के लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता नहीं है धुनुची डांस क्या है, लेकिन फिर भी अभी लोगों को शायद पता चल गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सब में मतलब ये यहाँ हैदराबाद में हो रहा है ये प्रोग्राम, तो जाहिर सा बात है लोगों को पता है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया कि इससे कुछ आप लोगों को आइडिया मिल जाए धुनुची डांस क्या होता है नहीं होता है, और लोग यहाँ पे कितना अच्छे तरह से हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं एकदम हैदराबाद में। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं हैदराबाद में हूँ, लग रहा मैं एकदम कोलकाता में एकदम बंगाली लोगों के पास हूँ एकदम। सो वीडियो को बने रहिएगा, इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो एकदम पूरा सप्तमी से यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चालू हो जाता है, और मैं आज नवमी के दिन आया हूँ यहाँ पे, और आज दुर्गा पूजा का लास्ट दिन है, तो फिर भी जितना हो सकेगा क्योंकि वर्क का लोड की वजह से वीकडेज में मैं आ नहीं पाया, बट समय मिला मेरे को वीकेंड पे, तो मैं वीकेंड में आप लोगों के लिए समय निकाल करके आया हूँ। बट देखो ये कितनी प्यारी सी बच्ची है। सो लोग यहाँ पे मस्त एकदम अपने कल्चर को एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट करके पूरे अच्छे से मना रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एकदम दुर्गा पूजा को, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मैं यार बाहर हूँ, मेरे को एकदम फील ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बाहर हूँ, तो कोई ना, बट जितना हो सकेगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टॉल उस्टॉल की तरफ, क्या है ना
कि ये तो देख लिया डांस आप लोगों ने, क्या है नहीं है, कैसा होता है, सब कुछ आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आपको डायरेक्ट स्टोर की तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि बंगाली का पूजा मतलब खाना पीना और अच्छे कपड़ा पहन के घूमना है। तो ये देखो कुछ स्टॉल्स हैं, सारा यहाँ पे फूड स्टॉल सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको नज़दीक से दिखाते हैं, एक बड़े मियाँ कबाब है जो कि टैंक बंड में का सबसे फेमस कबाब है, सबको वहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे वो लोगों ने कैसे क्या चार्ज करता है कैसे, बट लाइव काब में कबाब मेकिंग बताया गया यहाँ पे। ये देखो ये पैराडाइज का तो पता है सबको, ये देखो बड़े मियाँ कबाब। रॉ मैकिंग चल रहा है यहाँ पे, पक रहा है तो हम लोगों ने डिसाइड किया रोल खाने का, क्योंकि कोलकाता का रोल फेमस होता है। और अभी देखते हैं कहाँ पे भीड़ कम रहता है वहाँ पे खाएंगे। ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टॉल सब लगा हुआ है, देख लो कोलकाता रोल सब चीज़ है यहाँ पे। सो अभी इधर भी है उधर भी है, उस साइड भी हम लोग को जाना है। रोल कॉल के पास जाके भी अभी रोल खाएंगे हम लोगों ने, एक चिकन रोल खाएंगे। और जगह रेट क्या पता किए हैं, सब जगह 130-140 रुपीस है, बट यहाँ पे क्या है रोल कॉल के पास 100 रुपीस में आपको एक चिकन रोल दे रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा करके रोल ऑर्डर करेंगे और वहाँ पे कैसे बनाता है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो जैसा कि हैदराबाद में आप लोगों को पता है कि चिकन शवरमा फेमस है, उसी तरह हम लोगों का नॉर्थ साइड में एग रोल काफ़ी फेमस है। एग रोल, एग चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल, सो काफ़ी डिमांड रहता है हम लोग का एरिया में, मतलब कोलकाता से जो लोग हैं या कोलकाता के नज़दीक में जितने लोग रहते हैं, तो कोलकाता का रोल वन ऑफ द फेमस रोल है। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है हम लोगों के एरिया में। कौन सा ये और आपको वेज कटलेट, चिकन कटलेट, सारा कटलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जबकि लोगों का यह डिमांड है पनीर रोल का, वेज रोल का, जिसको बोल सकते हो आप, एग रोल का डिमांड है, मुगलई पराठा का डिमांड है, और चिकन रोल का डिमांड है, एक रोल का डिमांड है, एक चिकन रोल का डिमांड है। तो हम लोगों ने चुपचाप ज़्यादा सोचा नहीं समझा नहीं, फटाक से दो चिकन एक रोल का ऑर्डर दे दिया भैया को। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, इसलिए क्योंकि अभी लंबा लाइन है। और तब तक ये मेन्यू कार्ड देख लो आप, इनका मेन्यू कार्ड है। और मैं भैया से पूछा स्टॉल कहाँ रहता है, तो भैया से वो भी आपको भैया भी बताएंगे कहाँ रहता है। तो क्योंकि ये तो अभी पूजा के समय पर इधर काउंटर लगाया है इन लोगों ने, बट इनका जो मेन दुकान है, ये मेन दुकान शायद पंजेगुट्टा में है। एक बार भैया से पूछ लेते हैं कहाँ पर है। सो अभी टाइम लगेगा हम लोगों को, भैया थोड़ा बिजी, थोड़ा आराम से बात करते हैं। तब तक ये देख लो मुगलई पराठा कैसे बनता है। ये देखो पराठा को बीच से फाड़ दिया, और उसमें अगर आप एक मुगलई पराठा लेंगे तो उसमें एक डालेंगे, चिकन लोगे तो चिकन डालेंगे। ये देखो क्राउड काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और मंडप वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को शुरू में लेकर गए थे, और ये बगल में भी काफ़ी सारा स्टॉल है। लोग अपने मतलब घर से भी बना मतलब बना करके ये छोटा सा स्टॉल लगाए हैं, बट ये बाजू वाला भी अच्छा है। बट यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, रिजनेबल प्राइस लगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो क्राउड देख करके आपको समझ में आ गया होगा इस कि काफ़ी अच्छा से यहाँ पे लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। मतलब काफ़ी भीड़ है, काफ़ी डिमांड है, मतलब यहाँ पे मतलब लोगों का मतलब बहुत अच्छे मतलब आए हैं सब, भीड़ भाड़ हो जाते अच्छा हुआ है। एक और एग रोल, सिंगल एग रोल किसी का है? देखिए वेज रोल बोल सकते हैं, चिकन कर लो चिकन एग रोल। ये मेरा है ना, ये वाला ठीक है, चिकन एग रोल। हाँ दो चिकन एग रोल है, ये दो मिनट से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम सिंगल एग रोल आया नहीं है याद रखो। फिश कटलेट आ गया, पुराना पुराना है चिकन कटलेट, एक चिकन कटलेट दो, चिकन कटलेट दो, चिकन एग रोल दो। चिकन कटलेट सर, आपका फिश कटलेट। आप लोगों का शॉप कहाँ पे है भैया? पंजागुट्टा, पंजागुट्टा में शॉप है।
डेली खुला रहता? हाँ सर। कितना बजे तक? मॉर्निंग 6 टू नाइट में 11 तक। मॉर्निंग 6 से नाइट 11 तक खुला रहता ना? चिकन एग रोल है, फिश कटलेट है, फिश कटलेट फिश कटलेट भाई बिना मिर्ची के सब। सो जैसा कि देख रहे हो भैया का, जो भैया ने बताया कि इनका सब पंजा गुट्टा में है, सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। आप वहाँ पे जा करके खा सकते हो। अगर आपको, अगर यहाँ पे आप मिस कर दिए इस वीडियो पे देखने के बाद, आपको रोड खाने का मन करे तो आप जाकर इनका डायरेक्ट रेस्टोरेंट वहाँ पे पंजा गुट्टा में, वहाँ पे जा करके खा सकते हो मस्त से। और देख रहे हो ये मुगलई पराठा कैसे बन रहा है। और सच में गाइस, यहाँ पे फिश कटलेट, चिकन कटलेट का इतना ज़्यादा डिमांड है, भैया के पास फुर्सत नहीं है एकदम देने के लिए। और अभी तो हम लोग को यहाँ पे भीड़ कम मिला क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 8 ही बज रहा। बट आफ्टर 8 गाइस, यहाँ पे क्राउड को इन लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा जैसा लग के लग रहा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो मुगलई पराठा कैसे सर्व करते हैं, ये देखो पूरा एकदम मस्त एकदम बना दिए। और इसमें थोड़ा सा एक आलू का करी टाइप का छोटा सा दे देगा, थोड़ा सा ये मुगलई पराठा हो गया। अभी हम लोग का रोल अभी आएगा, ये किसी के ऑर्डर है बोल जी दादा। डीम तो लाल होते दिवे हैं, 2 मिनट देरी खाओ, वालो खाओ। सो जैसा कि देखा कि मैंने भी बंगला में बोला कि भैया अंडा को थोड़ा अच्छे से फ्राई करना, लाल करना, थोड़ा सा लेट हो कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छा खाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बट अंडा अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना तो खाने में उसका मज़ा ही कुछ आएगा रोल का। और सबसे बड़ा बात, भीड़ में, इतने भीड़ में भैया ने हमारा ऑर्डर को कस्टमाइज़ करके, मतलब थोड़ा सा रुक करके बनाया, ये काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ भैया, आपने मेरा बात माना, काफ़ी अच्छा लगा यार। इसी तरह से आप कस्टमर को सर्व करोगे तो आपका रेस्टोरेंट चलता है। अगर आप भीड़ भाड़ में अगर सोचोगे कि नहीं जैसे तैसे किसी को दे देंगे तो आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा दिल तक। এই দিকে আসো দাদা, রিয়াকু কল কি আছে? রিয়াকু হ্যাঁ, রিয়াকু কল কি আছে? হ্যাঁ দাদা, ডিমটা লাল করবে। হ্যাঁ অল্প, एक नॉर्मल चिकन रोल में सॉस नहीं होगा? हां, सिर्फ केचप दे देना। हां सॉस, अच्छा, अनियन नहीं होगा? सब होगा, सिर्फ केचप डालना और कोई दूसरा सॉस। हेलो, वो हमारा बना रहे ना चिकन? हाँ, 2 चिकन 1 रोल है, लाल करिएगा दादा, ठीक है? वो फिश कटलेट, एक है मेरा, एक चिकन, एक चिकन रोल के साथ है, कटलेट के साथ, कटलेट के साथ एक चिकन रोल है, एक चिकन रोल दे रहा हूँ। ये कौन सा है? फिश कटलेट, फिश कटलेट फिश कटलेट चिकन कटलेट इधर पड़ा, फिश कटलेट इधर पड़ा, ये भी पीस है, ये भी पीस है। भाई डीम तो होए जाए। एक चिकन रोल दो, मेरा 2 चिकन, 2 चिकन एक रोल मेरा, एक चिकन रोल। चिकन रोल दो मेरा, फिश कटलेट के साथ सलाद थोड़ा बढ़ा के दीजिएगा भैया, एक चिकन रोल का सलाद थोड़ा बढ़ा के दीजिए। थोड़ा सलाद और दीजिएगा ना भैया। हेलो, 2 चिकन एक रोल, उसके बाद है एक नॉर्मल चिकन रोल भैया, उसमें भाई मेरा अभी नहीं हुआ सर, हो रहा है। एक डबल एग चिकन रोल, एक नॉर्मल चिकन रोल, एक पनीर रोल। तो ये हम लोग का एग रोल आ चुका है, अभी सोचा खाएंगे। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 मिनट पक्का लगेगा? चलो ठीक है, 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट बोला लगेगा, वेट करते हैं, ठीक है। और वो नुक्कड़ वाला है वहाँ पे, आपको अकबर मियाँ कबाब कैटरिंग, तो यहाँ पे ऑर्डर दो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो माँ तारा होटल देख लो, वहाँ पे यूनाइटेड टेस्ट ऑफ कोलकाता,
तरह तरह का वैरायटीज ऑफ आइटम आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। सभी बोला पानी पूरी वाला 10 मिनट वेट करने के लिए, तो देख लो यहाँ पे पानी पूरी के लिए भी लोगों का भीड़ लगा हुआ है जबरदस्त। 10 मिनट के बाद देखते हैं मिलता है कि नहीं। लोग जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे बैठ के खा ले रहे हैं, समझे। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंटर करने के लिए। आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। मिलते हैं गाइस नए जगह पे नए लोकेशन पे, तब तक के लिए जय माता दी।